राफेल का जिन फिर आया बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों के आधार पर बनाने की अनुमति दी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी हर जगह कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफेल की क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि मोदी जी ने राफेल की चोरी की है, देश की सेना के साथ धोखा किया है, अपना जुर्म छुपाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को जेल जाने का डर लग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बुधवार को कहा गया कि मोदी डर में जी रहे हैं और यदि राफेल घोटाले की जांच हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी की सरकार की कोशिश विफल, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी हुई है, संसद के भीतर बाहर बार बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये कहना था बहन कुमारी मायावती का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि क्या महंगाई कम हुई, पाकिस्तान का झुका सिर, एक के बदले 10 सिर लाने का वादा किया था मोदी गवर्नमेंट ने, क्या वो लापा है, महिला सुरक्षा मिली, गंगा की सफाई के नाम पे पैसा खाया, आज गंगा में इतनी गंदगी है कि वो देखते ही बनती है, गौ की हत्या बंद हो गई नहीं हुई, बीफ एक्सपोर्ट्स बैन लगा नहीं लगा, डॉलर घटा भारतीय मुद्रा बढ़ी नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं सुधरी, तो किस बात के लिए मोदी गवर्नमेंट आज वोट मांगने निकले हैं, देश में मंदी कम हुई नहीं हुई, विदेशियों में काला धन आया नहीं आया, काला धन वाले पकड़े गए नहीं पकड़े गए, नोटबंदी से देश के फायदा मिला नहीं मिला, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं हुआ, गांव की हालत सुधरी नहीं सुधरी, किसान की हालत बस से बदतर हो गई बीजेपी सरकार में, किसानों की हत्या बंद नहीं हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं हुआ, फिर भाजपा वाले कौन से मुंह से लेकर वोट मांग रहे हैं। ये कहना था समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।